गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के कुछ ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स जिनका काम देखने के बाद आप भी उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। मोस्ट टैलेंटेड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। गाइज आपने आलू काटने वाली मशीन को तो जरूर देखा ही होगा जिससे बहुत सारे डिजाइन के आलू काटे जा सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे टैलेंटेड शेफ भी मौजूद है जो की आलू को बहुत सारे डिजाइन में कट कर सकते हैं। जैसे इसी शेफ को देख लीजिए जो की इतना टैलेंटेड होता है की ये सबसे पहले एक आलू को लेता है और उसे दोनों साइड से कट कर लेता है और फिर उसके बाद इस आलू के दोनों साइड से इन लकड़ियों को लगाकर आलू को कुछ इस तरह से डिजाइन में कट करने लगता है और फिर उसके बाद इसी आलू को पलट कर फिर से कट करने लगता है और फिर इसे कट करने के बाद जब ये सेफ इस आलू को अपने हाथ में उठाता है तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की डिजाइन को इस सेफ ने आलू के ऊपर बनाया है। क्या इस तरह से आप आलू को कट कर सकते हैं? अब गाइस जब टैलेंटेड सेफ के बारे में बात हो ही रही है तो इन्हें कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा टैलेंटेड सेफ है जो कि इस ब्लेड से भी पतले छुरे से इसके हाथ के नीचे रखी सब्जी को बहुत ही बारीक से कट कर रहा होता है और जब ये इस ब्लेड को सब्जी में मारता है तो इसे देखते हुए लगता है कि ये इस ब्लेड को अपनी उंगली में ही मार लेगा। लेकिन ये सेफ इतना टैलेंटेड होता है कि ये सब्जी के बारीक से बारीक टुकड़े तो करता ही है, उसके बाद भी इसके हाथ में ये ब्लेड टच तक नहीं होता है। गाइस होटल्स में आपने बहुत सारे ऐसे वर्कर्स देखे होंगे जो कि अपने काम को बहुत ही फास्ट करते हैं और कुछ वर्कर्स तो ऐसे होते हैं जो कि काम को फास्ट करने के चक्कर में काम को बिगाड़ ही देते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स भी होते हैं जो कि अपने टैलेंट के दम पर लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। जैसे इसी वर्कर को देख लीजिए जो कि एक टेबल को बहुत ही फास्ट क्लीन करता है और इसके क्लीन करने के बाद टेबल पर एक दाग भी दिखाई नहीं देता है। अब गाइस घर बनाने वाले बहुत सारे ऐसे मिस्त्री होते हैं जो कि अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, जो कि अपने टैलेंट से कुछ अनोखा ही बना देते हैं। जैसे इसी मिस्त्री को देख लीजिए जो कि अपने टैलेंट के दम पर दीवार के ऊपर 3D स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे बनाने के लिए ये सबसे पहले दीवार के ऊपर कुछ लाइनें खींचता है और फिर उसके बाद एक रॉड डिजाइन बनाकर तैयार कर लेता है। और फिर बारी आती है इस मिस्त्री के टैलेंट की, जो कि अपने टैलेंट और इस कन्नी की मदद से इस दीवार के ऊपर परफेक्टली 3D स्ट्रक्चर बना देता है और इसके कंप्लीट होने के बाद इसे देखते हुए लगता है मानो कि इसे किसी मशीन से बनाया गया होगा। अब गाइस कुछ लोग वायर मैनेजमेंट इतना अच्छे से करते हैं कि उन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अब जैसे इसी व्यक्ति को देख लीजिए जो कि सबसे पहले वायर के एक बंडल को बना लेता है और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से टेप लगाता हुआ जाता है। इसके टेप लगाने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसका हाथ देखते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब इसके हाथ से टेप छूटता है और कब इसकी उंगलियों में टेप वापस से आ जाता है। गाइस वीडियो में कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको कुछ ऐसे टैलेंटेड सेफ दिखाए थे, तो उन्हीं में से ये कुछ ऐसे टैलेंटेड सेफ होते हैं जो कि प्याज के ऊपर प्याज रखकर उसे एक ही बार में काट देते हैं। ऐसे प्याज भी जल्दी कट जाता है और समय भी कम लगता है, लेकिन इस तरह से प्याज काटने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड सेफ होते हैं जो कि इन सब्जियों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें काट देते हैं। गाइस ये एक ऐसा टैलेंटेड वर्कर है जो कि मेयोनी को उसके सांचे में परफेक्टली डिलीवर करता है। इसके किसी भी सांचे में मेयोनी न कम लगती है और न ज्यादा लगती है, बस परफेक्टली ये अपने हाथों से ही इस काम को कर रहा होता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मिट्टी के बर्तन तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने मिट्टी के बर्तन अपनी आंखों से बनते हुए देखे होंगे। तो उन बर्तनों को कुछ इस तरह से हाथों से बनाया जाता है। अब जैसे इसी टैलेंटेड व्यक्ति को देख लीजिए जो कि किस तरह से इस मिट्टी का यूज करके मिट्टी का घड़ा बनाता है। ये एक ऐसी चिकनी मिट्टी होती है जिसे आप जैसा भी ढालते हैं ये वैसी ही ढलती चली जाती है, लेकिन इस मिट्टी को संभालना भी इतना आसान नहीं होता है। इसे एक घड़े को बनाने के लिए इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें ये इस मिट्टी के शेप को कई बार चेंज करता है और फिर फाइनली ये टैलेंटेड वर्कर इस मिट्टी को घड़े के शेप में बदल देता है, जो कि ये घड़ा भी देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। अब गाइस ये एक लेडीज वर्कर होती है जो कि सबसे पहले दीवार पर बहुत सारे पेंट को डाल देती है और ये पेंट इतना ज्यादा होता है कि ये दीवार से नीचे की तरफ आने लगता है, तभी ये लड़की बहुत ही तेजी से सारे पेंट को दीवार पर लगा देती है। ऐसे ही ये एक लड़का होता है जो कि इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे पेंट को दीवार पर डाल देता है और फिर इस पेंट को बहुत ही तेजी से और बारीकी से दीवार पर लगा देता है। अब गाइस ये एक वाईफाई के नेटवर्क में काम करने वाला वर्कर होता है जो कि इन सारे वायर्स में एक साथ ही इन छोटे छोटे पाइप्स को डाल देता है। अगर आप इन वायर्स को देखेंगे तो आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि इन वायर्स में इन पाइप्स को डालने में काफी समय लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा टैलेंटेड वर्कर है जो कि एक ही बार में इन सारे वायर्स को पाइप के अंदर डाल देता है। अब
गाइस होटल्स में काम करने वाले बहुत ही प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, उनका खाना सर्व करने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है। अब जैसे इसी टैलेंटेड वर्कर को देख लीजिए जो कि किस तरह से कस्टमर के आगे खाने को सर्व करता है। सबसे पहले ये इस टेबल के ऊपर रखे कांच के ऊपर प्लेट्स को रखता है और फिर उसके बाद तेजी से इस कांच को घुमा देता है, जिसके बाद ये सारी की सारी प्लेट्स खुद ब खुद टेबल पर लग जाती है। ऐसे ही इन टेबल्स के ऊपर चादर बिछाने के लिए इस कांच को हटाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक बार उठा करके इस कांच को वापस से टेबल के ऊपर रख देना होता है और फिर ये कांच इसके ऊपर ही घूमता रहता है और इसके नीचे रखा कपड़ा आराम से बिछा दिया जाता है। तो गाइस कुछ ऐसे टैलेंटेड वर्कर्स भी होते हैं जो कि बहुत ही बारीक से करने वाले काम को भी वो बहुत ही इजीली करते चले जाते हैं। जैसे इसी टैलेंटेड वर्कर को देख लीजिए जो कि इस कटोरे के ऊपर ब्रश से पेंट कर रहा होता है। ये अपने ब्रश से कटोरे को इतनी जल्दी पेंट कर देता है कि इसे देखने वाला तो देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये कटोरा बनकर तैयार होता है तो इस कटोरे का लुक तो आप देख ही सकते हैं कि ये देखने में कितना ज्यादा प्यारा लगता है। अब गाइस इस व्यक्ति के टैलेंट को देख लीजिए जो कि किस तरह से इस बड़ी सी कढ़ाई में रखे बैम्बू को पलटता है। ये सबसे पहले इनके बीच में एक मोटा सा वायर डालता है और फिर इस वायर को मोड़कर वापस से इस बैम्बू में ही डाल देता है और फिर उसके बाद तो ये व्यक्ति इस बैम्बू को बहुत ही आसानी से पलट देता है। अब गाइस ये जो बैम्बू ट्री होते हैं इनकी लकड़ियां बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, तो इनकी लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रक का यूज किया जाता है। जैसे ये एक ट्रक होता है जो कि बैम्बू ट्री से भरा हुआ होता है, तो इस ट्रक के ऊपर से इसे निकालने के लिए ये दोनों टैलेंटेड वर्कर्स क्या करते हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। ये सबसे पहले इसके साइड में लगे बांस को निकाल देते हैं और फिर उसके बाद ये सारे के सारे बांस नीचे जमीन पर आके गिर जाते हैं। अब गाइस इस टैलेंटेड वर्कर को देख लीजिए जो कि किस तरह से इस पेड़ की खाल को छुटाता है। अगर इस पेड़ की छाल को कोई और छुटाता तो शायद वो इस छाल को कुछ इस तरह से नहीं छुटा पाता, क्योंकि पेड़ के ऊपर से छाल को छुटाने के लिए भी एक टैलेंट की जरूरत होती है जो कि इस व्यक्ति के अंदर है जो इस पेड़ के ऊपर से खाल छुटा रहा होता है। अब गाइस जो बड़े बड़े ट्रक के टायर्स होते हैं उन टायर्स के ऊपर जितना लोड डाला जाता है वो उतना ही जल्दी खराब हो जाते हैं। अब उन खराब टायर्स को कुछ इस तरह की कटर मशीन से कट किया जाता है, जो कि इस कटर को चलाने वाला व्यक्ति बस इस कटर को हाथ में लेके खड़ा होता है और एक ही बार में इस पूरे टायर को काटता हुआ चला जाता है। वैसे गाइस आपको इन सभी मोस्ट टैलेंटेड वर्कर्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड वर्कर कौन सा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।